हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जी के क्वेश्चन देंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता था कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45% या ऑप्शन डी 55%। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 40%। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप में अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सरिस्का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी गुरुमुखी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी हम्पी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 फरवरी या ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 15 जनवरी। हमारा 6ठा सवाल है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अल्लाहक घोषित किया था? ऑप्शन ए इब्नुल अरबी, ऑप्शन बी फरीउद्दीन अत्तार, ऑप्शन सी मंसूर हलाज या ऑप्शन डी जलालुद्दीन रूमी। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी मंसूर हलाज। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी या ऑप्शन डी 1981 ईस्वी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 1972। क्वेश्चन नंबर 9 है, फायदे आजाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च या ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 9 जनवरी। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप क्या आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा क्या आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।